केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश पहुंचना होगा। यहां से 212 किलोमीटर है सोनप्रयाग, जहां आप 6 से 8 घंटे आसानी से पहुंच सकते हैं। बसेस की बात करूं तो सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो आप चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करके सर्च कर सकते हैं और आसानी से अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर, फिर वहां से 22 किलोमीटर का पैदल ट्रैक शुरू कर सकते हैं। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अपर हिमालय। मैं हूँ कमलेश नेगी और एक और ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। केदारनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है और जिसमें संपूर्ण बताया जाएगा, पूरा बताया जाएगा आपको कि कैसे आना है, क्या आना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और फिलहाल तो मैं गौरीकुंड से आगे निकल चुका हूँ और सबसे पहला व्यू दिखाता हूँ आपको, लुक जो आज का है सुकून देने वाला। तो पहला नज़ारा ये है, देख सकते हैं सुकून, यहीं केदारनाथ है, हमारे बाबा जी ही बसते हैं, तो देखें और काफ़ी सुकून मिल रहा है। हम यात्रा से 2 दिन पहले निकल रहे हैं, कपाट खुलने से पहले, और अभी माहौल यह है कि केवल घोड़े खच्चर और लेबर जो लोग सामान ले जा रहे हैं ऊपर व्यवस्था करने के लिए, केवल उन्हें ही परमिशन है, और बाकी यात्री लोग अभी नीचे गौरीकुंड में ठहरे हुए हैं, जो 25 से परमिशन मिलेगी। हो ये देखें, तो ये पहला झरना है जो केदारनाथ का है, और यहाँ पे पानी भी पी सकते भाई, एकदम ठंडा ठंडा पानी। ओह तो भाई लोग रुक जाओ, अरे मैम नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया, आप कैसे? जय बाबा केदार। तो ये हमारे जो उत्तराखंड के सिंगर है हेमा कसारिया जी भी जा रहे हैं इधर, जय बाबा केदार की। कैसे लग रहा भाई लोग? जय बाबा केदार। सर कैसे लग रहा है आपको, मजा आ रहा है? माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल मजा। मोहित भाई कैसे लग रहा है? भाई बहुत मजा आ रहा है कसम से, थोड़ा थक रहे हैं अभी जाते में, लेकिन यार ऊपर जाके जो मजा आएगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। ओके, तो जो आएंगे उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट क्या, थोड़ा बारिश वारिश आ जाता है और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो अभी फिलहाल हम लोग तो चल रहे हैं, थोड़ा अभी मौसम अब बदलता जा रहा है, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना मौसम चेंज हो रहा है, तो जैसे रेनकोट वगैरह और गर्म कपड़े ज़्यादा लेके आए, ज़्यादा हैवी वेट बिल्कुल ना लेके आए, नॉर्मल नॉर्मल होना चाहिए। थैंक यू राधे जी, ठोकर नहीं करते रहो, काम करते रहो, ठोको भैया ठोको नाल ठोको। भैया कितने दिन चल जाते हैं एक नाल? 3 दिन। 3 दिन चलते हैं केवल? बहुत चलते हुए, ये क्या है, नाखून जैसा सुधार नहीं हो रहा? नहीं होगा तो वो एक्स्ट्रा नाखून निकल जाते हैं ना, जैसे नाखून होता है उसी टाइप का होता है वो। अच्छा, इसको काटना पड़ता, बढ़ते रहते हैं। अच्छा, हम पहुंच चुके हैं भीमबली में और यहाँ पे 2 रास्ते निकलते हैं, एक ये नीचे वाला है और एक दूसरा ऊपर वाला है। यहाँ से घोड़े खच्चर चलते हैं और यहाँ से पैदल लोग चलते हैं, पैदल यहाँ से निकलना भी नहीं क्योंकि बहुत दूर पड़ता है, ये जो बैंड है बहुत लंबे लंबे बैंड है, यहाँ से उधर फिर इधर है, तो ये काफ़ी लंबे बैंड है और यहाँ से एकदम शॉर्टकट पड़ता है, तो आप ये वाला रास्ता रखें। तो ये भाई लोगों का कुछ अपना ट्रैक है केदारनाथ से ट्रैक्टर लाते हुए, तो देखें तो यहाँ फर्स्ट में ग्लेशियर शुरू हो गए हैं बड़ी लिमचोली से, और आप लोगों के भी विशेष ध्यान रखना है जैसे फोटोग्राफी करते हैं उस टाइप के, तो उसे थोड़ा बचना है ग्लेशियर के अगल बगल में, क्योंकि ग्लेशियर के साथ ग्लेशियर भी गिरता रहता है और पत्थर भी गिरते रहते हैं। पिछली बार की बात है कि फर्स्ट में ही 2 ट्रेजडी हुई थी आगे पे, इससे आगे पे, और तो इन चीज़ों से बचना है थोड़ा सा। ये देखें अभी भी ग्लेशियर ये, तो स्टे करने के लिए आपको जी एन वी एन के गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे यहाँ पे बड़ी लिमचोली में, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, और जी एन वी एन के गेस्ट हाउस हर कहीं है, केदारनाथ में है, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, बाकी कैंपिंग तो लगाइए। तो दोस्तों मौसम कुछ ऐसा है सुहाना, अभी तक काफ़ी बर्फबारी हो रही थी, मैं कैमरा भी नहीं निकाल पाया, और अब जाके बर्फबारी रुकी है, और ये है घोड़ा पड़ाव, अभी यहाँ पे सुनसान है, कुछ दिन बाद यहाँ पे पूरी भीड़ दिखेगी आपको, और हम कुछ पहले निकल रहे हैं यात्रा से, ये देखें लाइट जल चुके हैं, और हमारे भोलेनाथ जी यहीं निवास करते हैं, बस
केवल 1.5 किलोमीटर दूर। तो मिलाता हूँ कुछ देर में। तो मैं पहुँच चुका हूँ हेलीपैड के नज़दीक में, और अभी बर्फबारी इतनी ज़ोर की थी कि मेरे हाथ सुन्न हो चुके हैं, सीधा नहीं हो पा रहे हैं, और मंदिर दिखने लग गया है। तो जल्दी से ले जाते हैं आपको। यहाँ पे भी बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, GNBN का है और कैंपिंग है, जो 600-1000 रुपये में खाना और ब्रेकफास्ट और रात का डिनर और नाइट का स्टे करवाते हैं। तो देखते हैं कैसे रहता है, आगे क्या है, मंदिर जाने देते कि नहीं जाने देते। तब तक बने रहे हमारे साथ। तो ये सारे GNBN के गेस्ट हाउस हैं और इनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं आप, और पहले से ही। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस बार हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग हो रही है वो भी इसी GNBN की साइट से हो रही है। तो ये है ऊपर पे दिख रहा है भैरव मंदिर, ये देखें। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ केदारनाथ, कपाट खुलने से 2 दिन पहले, और अभी काफ़ी बर्फबारी हो रही थी, देख सकते हैं। बाबा ने बुलाया और हम चले आए। भाई लोग हैं, मैं भी ब्लॉगर हूँ फ्रॉम सिक्किम। अच्छा, आप सिक्किम से? जी, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है रानिया तामल। अच्छा, रानिया तामल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, आप लोग भी सिक्किम से हो? जी। तो इतने दूर आप केवल दर्शन करने आए हैं, कपाट खुलने के लिए? खाली महादेव के लिए दर्शन करने आए। और यह स्वर्ग स्वर्ग से कम नहीं है। हाँ, वो तो है, स्वर्ग से कम तो है नहीं। मैं बिल्कुल, मैंने ऐसी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी जिंदगी में। सच में मैं बयान भी नहीं कर सकती इसकी खूबसूरत, केदारनाथ की खूबसूरती को। तो थैंक यू। और थैंक यू। तो अभी आप भी करना चाह रहे हैं इस यात्रा को, तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर फर्स्ट में अभी करना चाह रहे हैं तो थोड़ा रुक के करें, क्योंकि इस बार बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है और इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा रुक के यात्रा करें, इसमें आपका बेनिफिट रहेगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।